हेलो गाइस, मैं हूं एमके और आप देख रहे हो एमके जोन 07 चैनल। तो यार, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एडसेंस के टैक्स फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, ये जो फॉर्म है वो किसको भरना है और किसको नहीं भरना है इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो फॉर्म है वो आपको 1 जून 2021 से पहले पहले भरना है। तो यार, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते तो इससे आपको क्या नुकसान होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, जो भी आपके वर्ल्ड वाइड व्यूज़ आएंगे, जैसे आपके वीडियो पर जितने भी व्यूज़ आएंगे उससे जो आपको अर्निंग होगी दोस्तों, उसका 24% आपको टैक्स देना होगा। जैसे दोस्तों, अगर आपका $100 बना है तो उसमें से $24 आपका काट लिया जाएगा। तो अगर गाइस आपने टैक्स फॉर्म को भर दिया है तो आपका सिर्फ जो यूएस से व्यू आएगा उस पर जो आपको अर्निंग होगी ना, उसका ही आपका दोस्तों ओनली 15% कटेगा। यानी जो आपका यूएस से व्यू आएगा उस पर ही आपका सिर्फ 15% टैक्स लगेगा। तो यार गाइस, मेरे काफ़ी दोस्तों के मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरा चैनल तो मोनो ही नहीं है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो आइए दोस्तों, मैं अब इसके बारे में बताता हूँ कि आप ये फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। तो यार दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई एडसेंस अकाउंट बना रखा है पहले से और वो आपके चैनल से लिंक है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो। और अगर दोस्तों आपने एडसेंस अकाउंट नहीं बना रखा तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्म आपको नहीं भरना है। जब आप दोस्तों अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे उस समय आप इस फॉर्म को भर लेना। सो यार गाइस, पहले क्या होता था, हमें हमारा चैनल मोनेटाइजेशन करवाने के लिए 4000 हर्ट्ज की आवश्यकता नहीं होती थी। तो उस समय दोस्तों जो एडसेंस था वो हमारे जो यूट्यूब चैनल था उससे सीधा लिंक हम आराम से कर सकते थे। तो यार दोस्तों, अगर आपका चैनल काफ़ी पुराना है और आपने भी दोस्तों पहले से ही एक एडसेंस अकाउंट बना रखा है और वो आपके यूट्यूब चैनल से लिंक है, और अगर दोस्तों आपके जो एडसेंस अकाउंट में जो टैक्स फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है भरने का, तो दोस्तों आप उसे आराम से भर सकते हो। वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप उसको भर सकते हो। और जब आप अपना चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो उस समय आपको ये वाला फॉर्म भर देना है। सो आई होप दोस्तों, जो आपके मन में डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो यार दोस्तों आप हमें आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर दोस्तों आप हमें इंस्टा आईडी पर मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो यार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा।